नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा नगर के गौरव दिवस के अवसर पर सिवनी मालवा पहुंचे नर्मदापुरम जिले के खनिज मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिवनी मालवा नगर पालिका सबसे पुरानी नगर पालिका है। उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है तब से हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं, साथ ही कई सड़कों का लोकार्पण भी किया है। चर्चा के दौरान खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि जो फैसला आएगा हम उसको फॉलो करेंगे, इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने रिव्यू पिटीशन लगा रखी है, हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। हमारी जो भी पार्टी की नीति है उसको हम फॉलो करेंगे। वहीं किसानों की मूंग की फसल में पानी नहीं मिल पाने की बात को लेकर नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज ही हमने जिले में समीक्षा बैठक की है। वहीं कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जैसा भी हो किसानों को पर्याप्त पानी दिया जाए, इसलिए किसान बिल्कुल चिंतित ना हो। वहीं बिजली की समस्या भी सामने आई है, उसका भी निराकरण किया जा रहा है। लंबे समय से पार्टी गरीबों के बीच में काम करने का भी प्रयास कर रही है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 573 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए संबल योजना के तहत गरीबों के खातों में पहुंचाए। लेकिन आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उन्हें गरीबी मिटाने की तो खूब बातें करी, लेकिन गरीब भली बढ़ गए हों लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये गरीबों के हितों में काम कर रही है और गरीबों के लिए काम कर रही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो अभी माननीय सांसद महोदय आपके बीच में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास की, आज बड़े बड़े लोग पार्टी में कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, उन्होंने अपने आवास की चिंता करी, अपने महलों की करी, अपने राजघरानों की करी, लेकिन गरीब का पक्का मकान बने ये उन्होंने चिंता नहीं की। ये चिंता करी है कि भारतीय जनता पार्टी ने करी है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब तक हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं। हम लोगों ने अपना सिर ऊंचा किया है अपने विश्व के सामने। यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने जो परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, उसमें कितने प्रतिबंध भी लग गए थे लेकिन उसके बाद भी वो झुके नहीं थे। आज आप देख रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी विश्व में अपनी अलग अलग जग रही है और उनकी अलग ख्याति अर्जित हो रही है, क्योंकि वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं जिनके कारण पूरा विश्व उनकी तरफ निगाह डाल के देख रहा है। आज यूक्रेन में रूस में लड़ाइयां चल रही है लेकिन दोनों देशों के प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कल मैं एक न्यूज देख रहा था पाकिस्तान चैनल से, जो बातें आ रही थी वो लोग कह रहे हैं कि अब कश्मीर का मुद्दा नहीं रह गया है, हमें भारत से संबंध बनाने की जरूरत है। आज जितने भी देश है सब भारत के साथ उनके सभी के संबंध अच्छे हैं, और आज पाकिस्तान की हालत बिगड़ती चली जा रही है। उनको लग रहा है कि जब तक हम भारत से संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हमारा हित नहीं होने वाला, और इसलिए इसका एक मतलब है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश की ऊंचाइयां वो अर्जित कर रहे हैं, देश की ख्याति जो हमारी मिल रही है वो उनके कार्यों से, उनके जो कामों से और उनकी दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति के कारण ही हो रहा है। आज यदि उन्होंने गरीबों के लिए जैसा कि बताया 4.5 करोड़ से ऊपर की लागत के आपके मकान यदि बनाए गए हैं, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये माननीय मोदी जी की सोच है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच है कि गांव गांव रास्ते पहुंचा दे, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में तो बसती है लेकिन हम गांव का घर क्या रहे। और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका एक पहला निर्णय था कि आज हर गांव को रोड से जोड़ो, और इसलिए हर गांव हमारे रोड से जुड़े। आज गरीबों के मकान बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो उन्होंने बोला 2022 तक किसी के भी कच्चे मकान न बने, और इसमें मकान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपकी कांग्रेस की सरकार आई थी तो जो इसका अंशदान राशि जो जमा होनी थी जो सरकार की वो इन्होंने नहीं दी थी, इसलिए हमारे 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सरेंडर हो गए।
संपल जैसी योजनाएं बंद कर दी गई थी, उनको गरीबों का हित नहीं देखना था। आज ये बताइए, संबल जैसी योजना में जन्म से लेकर मृत्यु तक राशि देने का प्रावधान है। आज जब आर्थिक तंगी किसी परिवार में आती है तो मदद करने का उसमें प्रावधान है। इससे बड़ा संबल हो क्या सकता है? किसी कठिनाई में सरकार मदद कर रही है, ये सबसे बड़ा संबल है। ऐसी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बंद कर, आज उसको हमने पुनः चालू करके और फिर से हमने आज संबल योजनाएं चालू की है और लोगों के खातों में पैसा देना चालू किया। आज इस तरह से चाहे आप और भी अन्य बातें ले लें, क्योंकि अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 5:30 बजे जुड़ने वाले हैं, वो आज करीब 20,000 करोड़ के ऊपर की राशि वो लोगों के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। आज चाहे आपके मुंह में बच्चों को मुंह देने की बात हो या आपके जो क्लिनिक है संजीवनी क्लिनिक जो आपके मोहल्लों में आपके खोलने आपके नगरी क्षेत्र में खोलने की बात हो, आज इस तरह से जितने भी काम हो सकते हैं उनको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे सभी नगरी क्षेत्रों में जुड़ने वाले हैं। और इसलिए आप लोगों से आग्रह ये है, क्योंकि आप लोग उस जिले के वासिंदे हो जहां पर हरियाली है, यानी हरित क्रांति यदि बोला जाए तो सही रूप में होशंगाबाद जिले में है, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन यदि गेहूं का हो मूंग का हो चने का हो यदि होता है तो होशंगाबाद का होता है। अभी आप जब एक्सपोर्ट करने की बात आएगी तो सबसे ज्यादा यदि गेहूं गया है तो होशंगाबाद जिले से गया है जो एक्सपोर्ट हुआ है। और इसलिए मैं अभी समीक्षा जब कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि अपने पास इतना गेहूं आया क्यों नहीं, तो बोला कि नहीं मार्केट में चला गया क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ है। आज जहां पे 80,000 से ज्यादा हमारे किसान थे, आज मात्र 30,000 किसानों ने ही अपना जमा किया है। और इसलिए हमें ये महसूस होता है कि आज यहां पे, क्योंकि जब समीक्षा हो रही थी तो हमारे विधायक भी ये बात को कह रहे थे कि यहां पर तालाबों की या हमारे अमृत सरोवर हो या हमारे पुष्कर सरोवर हो आज इनके पुष्कर सरोवर वगैरह की जरूरत होशंगाबाद जिले में ज्यादा नहीं है, क्योंकि 93% जमीन यहां की सिंचित हो रही है। वो आपको नदी से सिंचित हो रही है या बोर से सिंचित हो रही है। और इसलिए यहां पे जो किसान है, जो किसानों की संपन्नता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां के किसान 3-3 फसलें ले रहे हैं। अभी मूंग की जब बात आई कि किसानों को पानी मिलना चाहिए, मैंने वही कलेक्टर महोदय से बोला कि किसानों के खेत में किसी भी हालत में मूंग में पानी देना चाहिए, भले हमें कुछ भी करना पड़े उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज किसान हमारे हैं और हम लोग ये माने जाते हैं कि हम लोग हमारा भारत देश किसान आधारित है और जितनी भी योजनाएं बन रही हैं वो किसानों के लेकर बन रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो चाहे किसान कल्याण योजना की बात हो, लगातार किसानों के हित में क्या हो सकता है वो हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो काम कर रही है और लगातार करती चली जा रही है। और आज 0% कोई भी आपके करप्शन ना हो इसलिए डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहा है, हम लोग भेज रहे हैं, किसी भी योजना का पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है। एक सरकार थी जो कहती थी 15 पैसे नीचे पहुंचता है और एक सरकार है जो कह रही है 100% पैसा खाते में पहुंचता है, ये फर्क है। और इसलिए आप देख रहे हो कि जो आज गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है वो निरंतर तरक्की करती चली जा रही है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो गरीबों के नाम से वोट लेने वाली सरकार थी लेकिन गरीबों का काम नहीं किया वो धरातल में जा रही है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि निरंतर आज भारतीय जनता पार्टी चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे देश के स्तर पे हो चाहे विश्व के पटल पे हो, निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ती चली जा रही है और काम कर रही है। आज मैं कहती ये बात, ये हमें बताया विधायक जी ने, ये नगर पंचायत नगर पालिका बहुत पुरानी है, 1867 में अंग्रेजों के समय पे इसका निर्माण हुआ। सिवनी मालवा अपने आप में मालवा जब जुड़ा शब्द है तो मालवा वहीं जुड़ता है जहां पे माल हो,
और इसलिए मैं मानता हूं कि पुराना ये माल वाला क्षेत्र रहा होगा, इसलिए सिवनी मालवा इसका नाम भी रखा और यहाँ पे नगर पालिका भी पहले बनाई गई। और इसलिए ऐसे क्षेत्र में, ऐसे हमारे टाउन में हम आज आपके बीच में आए। कभी पहले भी हम प्रभारी मंत्री रहे हैं, पहले भी आपके सिवनी मालवा हम आए हैं, लेकिन आज हम दोबारा हमें आपके बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः आप सबको गौरव दिवस की शुभकामनाएं। जो फैसला आएगा उसको हम बिल्कुल पूरा फॉलो करेंगे और इसलिए हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी एक रिव्यू पिटीशन लगा रखी है और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। हम लोग जो भी हमारे पार्टी की नीति है, जो भी पार्टी ने तय किया है, उसको हम फॉलो करेंगे। पानी की बात आई थी जिसको हमने समीक्षा में बोला है, कलेक्टर को निर्देशित किया है कि आप इसमें पानी से कोई की भी आज हमने समीक्षा की। दो साल से सर नगर पालिका है ही नहीं, मतलब वो मना कर दे रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं हो रहा, नगर में पानी नहीं आ रहा, बिजली विभाग ने इसकी मेल बना के दे चुके हैं, उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा नगर की जनता को। अभी हमने आज ही समीक्षा की है बिजली विभाग की। बिजली भी जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ट्रिपल आर के तहत ये जिला आया है जिसमें करीब 270 करोड़ से ज्यादा पैसा आया है, बहुत जल्दी इसका भी निदान हो जाएगा। सर किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं, सरकार मुंह